हेलो एवरीवन, तो ये मेरे पास पुराने जींस था तो मैं उससे आज ऑर्गेनाइज़र बनाने वाली हूँ। तो उसको मैं अच्छे से सीधा कर ली और मैं इसे कट करके निकाल रही थी, और जो नीचे का पार्ट था उसको मैं एक साइड कर दे रही थी। उसको भी हम लोग यूज़ करेंगे, एक जींस से हम लोग दो दो ऑर्गेनाइज़र बनाने वाले हैं। तो आप लोग सोच रहे होंगे कैसे, तो आप लोग को उसके लिए वीडियो देखना होगा। तो ये नीचे में जो एक्स्ट्रा पार्ट था ऊपर के पार्ट में, उसको हम अच्छे से कट करके निकाल लेंगे और मैं इसको उल्टा कर लूँगी। और उल्टा करने के बाद मैं आप लोग को बताती हूँ कि आप लोग को क्या करना है। ये जो नीचे का जो था उसको हम अच्छे से स्टिच कर लेंगे सिलाई मशीन से। आप लोग चाहे तो ऐसे भी स्टिच कर सकते हैं हाथ से। ये मेरा स्टिच हो गया है, तो अब हम लोग एक और स्टिच मारेंगे। इस तरह से हम लोग को फोल्ड कर लेना है और इंची टेप की हेल्प से 3 इंच ऐसे नाप लेना है और उसको भी ऐसे स्टिच कर लेना है। तो ये रहा मेरा स्टिच हो चुका है। तो ऐसे में क्या होता है ना कि एकदम पूरा अच्छे से कॉर्नर बन जाता है। और मैं एक बड़ा वाला सुई ले लूँगी, उसको मैं ऐसे चारों कॉर्नर की और मैं इस तरह से स्टिच कर लूँगी ताकि ये अच्छे से दिखे। और मैं एक कार्डबोर्ड मैं इसके हिसाब से कट कर ली थी, उसको मैं इसके अंदर में लगा दूंगी और मैं टी शर्ट वगैरह सब इसमें अच्छे से फोल्ड करके रख दूंगी ताकि अच्छे से कबर्ड में ऑर्गेनाइज दिखे। तो इसी तरह मैं 3-3 बना ली थी। तो आप लोग को ये आइडिया कैसा लगा? तो चलिए अभी हम लोग दूसरे आइडिया की ओर चलते हैं। जो हम लोग नीचे का पार्ट को साइड करके रखे थे उसको अब ले लेंगे, उसको सीजर की हेल्प से बीच से कटिंग कर लेंगे और इसको इक्वल में हम अच्छे से सीजर से कट करके निकाल लेंगे ताकि ये पूरा सीधा दिखे। और दूसरे वाले को भी सेम वैसे ही प्रोसेस करके निकालेंगे ताकि जो एक्स्ट्रा पार्ट है वो निकल जाए। सेम देखिए ऐसे कर लिए हैं। अब इसको हम बीच से जॉइंट कर लेंगे और साइड से फोल्ड करके भी स्टिच कर लेंगे। तो देखिए मैं स्टिच कर रही हूँ, तो ये मेरा बीच से स्टिच हो चुका है और मैं साइड में ऐसे एक बार फोल्ड करूँगी। 2 बार भी आप लोग फोल्ड कर सकते हैं। ऐसे फोल्ड करके मैं स्टिच कर लूँगी ताकि कोई भी धागा वहाँ से निकले नहीं। सेम उसी प्रोसेस में करके मैं चारों तरफ से ऐसे ही सेम करके मैं सिल लूँगी। और ये रहा, अब इसको मेज़रमेंट करते हैं। तो मेरा चौड़ाई 20 निकला है और ये लंबाई मेरा 25 निकला है। जिस साइड से हमारा लेंथ था उस साइड से हम डबल फोल्ड करेंगे, फिर ट्रिपल, और एक मैं ऐसे पकड़ूँगी और कॉर्नर बनाऊँगी। इसी तरह से मेरा वीडियो आप लोग ध्यान से देखिए और मैं जिस तरह से पलट रही हूँ वैसे ही आप लोग सेम प्रोसेस करके आप लोग करो ताकि ये कोई भी गलती ना हो। और मैं ऐसे नीचे से एक हाथ घुसा के ये जो लास्ट का था उसको मैं नहीं पकड़ूंगी और मैं इसको सुई धागे की हेल्प से हाथ से ही स्टिच करूँगी और सेम करके मैं चारों तरफ मैं इसे ही सेम स्टिच करूँगी ताकि ये अच्छे से हैंग हो सके। और मेरा ये कम्प्लीट हो चुका है। मैं 2 हैंगर ले ली थी और 4 पिन, और इसको मैं ऐसे इसको पिन अप करूँगी। आप लोग स्टिच भी कर सकते हो, पर मेरे को जब ये गंदा हो जाए तो धुल सकूँ इसीलिए मैं स्टिच नहीं कर रही थी। तो ये बहुत ही अच्छा ऑर्गेनाइज़र मेरा बन के रेडी हो गया है। तो इसके नाप का मैं एक कार्डबोर्ड में कट कर लूँगी और इसमें मैं इसको अंदर में डाल दूँगी ताकि ये बेस अच्छे से मजबूत हो जाए ताकि इधर उधर लचीला ना दिखे और अच्छे से दिखे। सेम वैसे ही करके मैं एक और बना ली थी। तो आप लोग को वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ कमेंट करके मेरे को ज़रूर बताएँ।